अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप ठीक होंगे। आज जो बेटा हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिकली पार्टनरशिप से रिलेटेड। पार्टनरशिप में चंद चीजें तो हमने पढ़ ली थी, जिसमें नया टॉपिक है बेटा वो आपको नजर आ रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म और लाइबिलिटीज ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। ठीक है, तो बेटा आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पहला करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जब पार्टनरशिप क्रिएट होती है पार्टनर्स के दरमियान में, यानी फर्म बन जाती है, तो फिर वो फर्म कितने तरीकों से खत्म हो सकती है। तो याद रखिएगा, डिसॉल्व का मतलब होता है खत्म हो जाना है। जो पार्टनर्स ने जो फर्म क्रिएट किया था, बनाया था, अगर उसको खत्म कर दिया जाए फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो बेसिकली आपसे वो एग्जामिनर पूछता है कि ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बताएं। तो बेटा ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो पहला तो ये है के डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ये अगर तमाम पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर दें कि जी जो हमने फर्म क्रिएट की थी हम उसको मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहते, खत्म करना चाहते हैं, वो ओरली भी आपस में ये डिसॉल्व कर सकते हैं या रिटर्न में भी कर सकते हैं। ठीक, इसको कहेंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इसके बाद हमारे पास जो है वो सेकेंड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बेटा आ जाता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन इन केसेस में हो सकता है कि जब तमाम पार्टनर्स जो है उनको अदालत जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, ये तमाम पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए सिवाय एक पार्टनर के लिए, एक पार्टनर के सिवा बाकी तमाम पार्टनर्स जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, और या फिर जो है जो बिजनेस कर रहे थे पार्टनर्स वो अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, तो फिर ऐसे सिचुएशंस में जो पार्टनरशिप की फर्म थी वो खत्म हो जाएगी और इसको हम कहते हैं बेटा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ठीक है जी, इसके बाद कानून कहता है कि एक और डिसोल्यूशन का तरीका है जिसको हम कहते हैं कंटिजेंट डिसोल्यूशन। कंटिजेंट डिसोल्यूशन से भी पार्टनरशिप जो है वो खत्म होती है। कंटिजेंट कहते हैं हालात को, ऑन द इवेंट ऑफ सर्टेन या ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, तो इन कंडीशंस में जो है वो पार्टनरशिप जो है वो फर्म खत्म हो सकती है। किसी भी पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो भी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। या फिर कानून कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फर्म क्रिएट हुई थी वो जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, या फिर किसी भी टाइम फ्रेम वर्क के लिए 1 साल 2 साल 10 साल के लिए फर्म बनी थी वो टाइम फ्रेम वर्क जो है वो एक्सपायर हो जाए, तो इसको हम कहते हैं बेटा कंटिजेंट डिसोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद जो है वो डिसोल्यूशन बाय नोटिस भी हो सकता है, लेकिन डिसोल्यूशन बाय नोटिस में एक आता है पार्टनरशिप एक बिल की टाइप आती है कि जिसमें कोई टाइम फ्रेम वर्क डिसाइड होता है लेकिन वो एक्सपायर हो जाए, उसके बावजूद जो है पार्टनर्स आपस में काम करें। कानून कहता है कि फिर ऐसी सिचुएशन में ये एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है, एतमाद होता है, पार्टनरशिप कंटिन्यू होती है, लेकिन अगर किसी पार्टनर्स को एतमाद नहीं रहा या वो मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहता पार्टनरशिप में, तो फिर पार्टनरशिप एट विल की कंडीशंस में वो नोटिस देगा और वो कहेगा कि जी बस ये फॉर्म खत्म करो, मजीद इसको नहीं चलना चाहिए। फिर ऐसी सिचुएशन में भी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन बाय नोटिस के थ्रू पार्टनरशिप एट विल भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आता है बेटा डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट में मामला क्यों जाता है कि लेट्स सपोज अगर एक पार्टनर जो है वो लॉसेस हो रहे हैं, कुछ पार्टनर कह रहे हैं कि यार खत्म होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं खत्म नहीं होना चाहिए, तो मामला कोर्ट में चला जाता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर देती है, कोर्ट ऑर्डर देगा। ठीक है जी, कोर्ट डिफरेंट तरीकों से जो है हालात को रखते हुए डिसॉल्व कर सकती है कि अगर कोई उनका पार्टनर जो है मेजर की रोल प्ले कर रहा था, अगर वो
इंसेन हो जाए, पागल हो जाए और मामला कोर्ट पे चला जाए तो भी कोर्ट जो है वो खत्म कर देगी कि किसी पार्टनर की मिसकंडक्ट की वजह से जो है वो फर्म का रेपुटेशन डैमेज हो चुका है बुरी तरीके से, कुछ एग्री चलाना, कुछ डिसएग्री तो भी जो है वो कर सकते हैं, या फिर किसी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया तो ऐसी सिचुएशंस में भी जो है वो पार्टनरशिप जो है वो डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है जी, तो ये था बेटा हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो कितने तरीकों से डिजॉल्व हो सकती है। ठीक है जी, इसके साथ ही एक और टॉपिक हम कर लेते हैं, आप लोग जब तक इसको देखिएगा। ठीक है जी, फिर क्वेश्चन बेटा आपके पास आता है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म को हम किस तरीके से रजिस्टर्ड कर सकते हैं या उसका तरीका क्या है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसको हम करते हैं जब तक आप लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर लें, देन फिर मैं इस टॉपिक पे भी आता हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाता है कि जी एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म को हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि पार्टनरशिप की जो जो पार्टनरशिप क्रिएट होती है पार्टनर्स के दरमियान में, उसके रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मगर अगर पार्टनर्स की ख्वाहिश है कि वो फर्म को रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं, और फर्म को रजिस्टर करना सिर्फ एक ही प्रूफ है कि वाकई फर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, लेकिन कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना, ये उनके डिजायर पर है, करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि सबसे पहले जो है वो पार्टनर जो है वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे रजिस्ट्रार को कि जी हमारे फर्म का नाम ये है, और जिस पे तमाम पार्टनर साइन करेंगे, और वो रजिस्ट्रार को जो है वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, बताएंगे कि जी हम एक फर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं, एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर वो कुछ पर्टिकुलर्स कुछ डिटेल भी देंगे। ठीक है, उसमें एप्लीकेशन के साथ साथ वो अटैच करेंगे कि जी हमारे फर्म का नाम ये है, जो भी फर्म का नाम पार्टनर से आपस में डिसाइड किया है, जो उनका प्लेस होगा जहां से फर्म ऑपरेट करेगी, मेजर प्लेस जो है लेट्स सपोज अगर कराची है तो कराची करेंगे, और अगर वो फर्म अदर प्लेसेस से भी बिजनेस को ऑपरेट कर रही है यानी जहां ब्रांचेस होंगे उसके, तो उन ब्रांचेस का जिक्र भी किया जाएगा, उस प्लेस का भी जिक्र किया जाएगा, तमाम पार्टनर्स का नाम बताया जाएगा, तमाम पार्टनर्स के एड्रेसेस बताए जाएंगे, किस पार्टनर से किस डेट को ज्वाइन किया है वो डेट भी मेंशन की जाएगी, पार्टनरशिप कितने टाइम पीरियड के लिए है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड टाइम के लिए है, जिस टाइम के लिए बनी जाएगी तो उस टाइम पीरियड को भी मेंशन किया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप वो भी मेंशन किया जाएगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद जब ये पार्टनर्स दे देंगे तो रजिस्ट्रार जो है वो उस एप्लीकेशन को उसके पर्टिकुलर को एग्जामिन करेगा, अच्छे तरीके से देखेगा यार इससे पहले तो किसी ने जो है ये नाम नहीं रखा, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा और ये प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने किसी पर्टिकुलर को चेंज करना है जो मैंने अभी बताया, तो अगेन वो रजिस्ट्रार को जो है इन्फॉर्म करेंगे, एप्लीकेशन देंगे और उसको चेंजेस करेंगे। ठीक है,
लेकिन अगर जो पर्टिकुलर्स बताए गए हैं उसमें किसी किस्म की फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, गलत चीज बताई हो गई हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में बेटा जो रजिस्ट्रार है वो पनिश भी कर सकता है, और पनिश जो है विद इम्प्रेसमेंट हो सकता है, जो कि 3 महीनों तक हो सकता है, और 3 महीने के साथ साथ आपको इस पे जो है वो फाइन भी लग सकता है। तो याद रखिएगा, ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी तो आपको फाइन भी लग सकता है और साथ साथ आपको पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, वंस अगेन सुन लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप करेंगे तो उसका प्रोसेस ये होगा, आप एप्लीकेशन लिखेंगे रजिस्ट्रार के नाम में, उसके साथ कुछ पर्टिकुलर्स बताएंगे, पर्टिकुलर्स आपने जो जगह है जिस जगह से ऑपरेट करेंगे अपना बिजनेस, दैट इज हेड ऑफिस, वो बताएंगे। अगर इसके अलावा कहीं और जगह से भी ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस को तो उनके बारे में भी बताया जाएगा। और इसी तरीके से जिस डेट को पार्टनरशिप ज्वाइन किया है वो डेट बताएंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप है वो बताएंगे, एड्रेसेस बताया जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रार तमाम एप्लीकेशन को और जो पर्टिकुलर्स आपने बताए हैं उसको अच्छे तरीके से देखेगा। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है देन ही विल इशू सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप कोई दोबारा चेंज करना चाहते हैं पर्टिकुलर्स को, दोबारा रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेंगे, खुद से आप चेंजेस नहीं कर सकते। और जब आपने इंफॉर्मेशन दी थी रजिस्ट्रार को, जो पर्टिकुलर्स वो सही होने चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, वरना अदरवाइज जो है वो आपको आपके पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है और आप पे फाइन भी कर सकता है, यानी आपको इम्प्रेसमेंट भी दे सकता है जो कि 3 महीने तक जा सकता है। ठीक है बेटा, देख लीजिएगा इसको जल्दी से। चलिए जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, वो लाइबिलिटीज ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स नजर आ रहा है। ठीक है, लाइबिलिटीज ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, इसको देख लेते हैं जल्दी से। बेटा लाइबिलिटीज ऑफ इनकमिंग का मतलब है न्यू पार्टनर्स की एंट्री होना, और आउटगोइंग का मतलब है जो ओल्ड पार्टनर्स है उसका फर्म को लेफ्ट कर जाना। ठीक है, तो कानून कहता है पार्टनरशिप के तहत अकॉर्डिंग टू 1932 के तहत कि जब भी कोई न्यू पार्टनर किसी फर्म में इंटर होना चाहता है, उसको ज्वाइन करना चाहता है, तो तमाम पार्टनर्स की कंसेंट होना शामिल है। यानी तमाम ओल्ड पार्टनर्स की कंसेंट उसमें शामिल होगी, उनकी रजामंदी होगी, और जो उनके दरम्यान में प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत न्यू पार्टनर्स को भी ज्वाइन किया जाएगा। अब इसकी लायबिलिटी क्या होगी, अगर आप किसी न्यू पार्टनर्स को ज्वाइन कर लेते तो कानून कहता है कि जब नया पार्टनर आता है तो उस नए पार्टनर की एंट्री जिस दिन होगी तो उस डेट से पहले जितने भी ड्यूज थे, जितने भी लाइबिलिटीज थी, जो भी एक्ट अमल किया हुआ था प्रीवियस पार्टनर्स ने, तो वो उनके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, अगर वो खुद से एग्री कर जाता है और जिम्मेदारी एडमिट कर लेता है कि यार मैं उनके लिए लायबल हूँ बैड डेट्स के लिए, तो फिर कानून कह सकते ठीक है फिर आप लायबल है, वरना अदरवाइज आप लायबल नहीं होंगे, और उसके वो तमाम राइट्स होंगे जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के राइट्स होते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं इनकमिंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर यानी रिटायरमेंट पार्टनर, कानून कहता है कि जो भी पार्टनर रिटायर्ड होना चाहता है फर्म से उसको हम कहेंगे आउटगोइंग पार्टनर। और आउटगोइंग पार्टनर जो है अगर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसमें तमाम पार्टनर्स की कंसेंट लेगा, वो रजामंदी लेगा।
और अगर पार्टनरशिप एट विल भी थी तो वो नोटिस देकर वो